तो नाउ स्टार्ट आई विल डिस्कस टुडे अबाउट ऑफ मेल स्टरिलिटी. व्हाट इज मेल स्टरिलिटी? मेल स्टरिलिटी इज ए एब्सेंस ऑफ नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ फ्लावर. ओके, सो कंटेंट, द फर्स्ट लाइट ऑफ कंटेंट, द मेल स्टरिलिटी. सेकेंड पॉइंट, मैग्निफेस्टेशन ऑफ मेल स्टरिलिटी, हिस्ट्री ऑफ मेल स्टरिलिटी एंड नीड ऑफ मेल स्टरिलिटी, क्रिएशन ऑफ मेल स्टरिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेल स्टरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टरिलिटी एंड केमिकल हाइब्रिडाइजेशन एजेंट, यूज ऑफ मेल स्टरिलिटी. लास्ट पॉइंट, रेफरेंसेस. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है आपका मेल स्टरिलिटी. मेल स्टरिलिटी, व्हाट इज मेल स्टरिलिटी? मेल स्टरिलिटी इज द कैरेक्टर बाय द नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन. व्हाइल मेल फीमेल फंक्शन नॉर्मली, जो इसमें जो मेल फंक्शन होता है वो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है. ठीक है ना? नेक्स्ट आपका inability to produce or to release viables or functional pollen gland as result of failure or formation and development of functional stamen, microspore and gamete. yani ki isme jo gamete jo male part hota hai wo female gamete ko mein failure hota hai, seed banane mein failure hota hai. theek hai na? उसको फर्टिलाइज नहीं करता, ना ही सीड बन पाता, नॉन फंक्शनल पार्ट होता है. ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर्स में शो करा रहे हैं कि आप देख रहे हो कि इसकी जो कहीं आपको एक दो पिक्चर्स देख रही है आपने, वाइट कलर फूल की और एक जो है इधर साइड में जो कंडीशन, दो कंडीशन है, एक तो पार्ट डिफरेंट है मेल एंड फीमेल के, ठीक है ना, और दूसरे में क्या है कि जो एंथर है वो बिल्कुल ऊपर है. ठीक, तो उसमें क्या है कि जो मेल स्टरिलिटी के जो पार्ट हैं वो नॉन फंक्शनल हैं मेल के. ठीक है ना, जिसे हिंदी में बोलेंगे आप नरबंधता. ठीक, आगे एक मेन रीजन इज म्यूटेशन. इसका एक मेन रीजन है, वह है म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज ए सडन इनहेरिटेबल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड म्यूटेशन. ठीक है, तो म्यूटेशन आपके द्वारा भी इसमें मेल स्टरिलिटी होती है. मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल स्टरिलिटी, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि जो फेलियर ऑफ रिजल्ट होते हैं, ठीक है ना, एब्सेंस होते हैं, तो जैसे कि एब्सेंस ऑफ मॉल फॉर्मेशन ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दूसरी बात, फेलियर टू डेवलपमेंट नॉर्मल माइक्रोस्कोसिस टिश्यू एंथर्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अबनॉर्मल माइक्रोस्कोसिस स्पोरोजेनेसिस डिफॉर्मेट और इनेबल पोनल. तीसरा चौथा पॉइंट है आपका अबनॉर्मल ऑफ पोलन मैचुरेशन. जो पोलन जो होते हैं वो अनमैचुरेशन होते हैं, मतलब मैच्योर नहीं होते. ठीक है ना, दूसरी चीज, नॉन डिसेंट एंथर बट वाइवल्स पोलन एंड स्पोरोफाइटिक कंट्रोल. ये स्पोरोफाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते. और वेराइजर अदर देन द इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट पोलन फ्रॉम रीचिंग वैल्यू ओविल. सॉरी, तो इसका मतलब है, इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि जो मेल और फीमेल जो पार्ट है वो एक ऊपर नीचे होते हैं, इनकम्पर्टेबल होते हैं फ्लावर में, तो जिसकी वजह से वो मैच नहीं कर पाते, मैच मतलब क्रॉस नहीं कर पाते आपस में, तो इसीलिए वो इनकम्पर्टेबल होते हैं. यानी कि जो फीमेल पार्ट है, सपोज दैट एक हमारा ये फ्लावर है,
ठीक है, और ये स्टिग्मा है, ठीक, और ये क्या है हमारे स्टेमेन है, यानी कि एंथर है, ये एंथर है। तो ये हमारा स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये एंथर हो गया, एंथर हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये इस तक नहीं पहुंच पाते, किसके, जो फीमेल पार्ट तक ये इसके बराबर नहीं पहुंच पाता, तो इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता, इसे बोलते हैं हम इनकॉम्पेटिबिलिटी। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्रॉस नहीं कर पाता, ये जो एंथर है, ये कंडीशन होती है इसमें, ठीक है ना। तो इसे इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। आगे हिस्ट्री ऑफ मेल स्टेरिलिटी। सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे कॉली ल्यूटर, उन्होंने 1763 में ऑब्जर्व किया था एंथर ओवर्शन, यानी कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, एंथर ओवर्शन विद स्पीसीज एंड हाइब्रिड स्पीसीज हाइब्रिड, ठीक है ना। तो हाइब्रिड स्पीसीज में उन्होंने ये इस चीज के लिए सर्च किया कि ये इसमें क्या है, कि इसमें जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, नॉन फंक्शनल पार्ट है मेल, ठीक है ना। दूसरा है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड इन स्कैबीज, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड इन स्कैबीज। जा रेनफील्ड 1960, एक साइंटिस्ट थे रेनफील्ड, 1960 में उन्होंने किसमें दिया था, कॉलीफ्लावर में, और एक न्यू हॉल साइंटिस्ट थे 1961 में उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था कि जेनेटिक मतलब जेनेटिक यानी कि जीन, यानी कि उसके मेल पार्ट में वो जीन है ही नहीं है जो उसको फर्टिलाइज कर सके, क्लियर। दूसरा, मेल स्टेरिलिटी सिस्टम हैज बीन आल्सो डेवलप थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तब विलियम एट एल ने 1997 में दिया था जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जब किसी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम जीन को ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे हमारा जीन गन मेथड है, क्या है, जीन गन मेथड है, या फिर आप किसी बैक क्रॉस के द्वारा भी आप जो है जीन को ट्रांसफर करा रहे हो, ब्रीडिंग मेथड द्वारा भी। लेकिन यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे विलियम्स, उन्होंने 1997 में मेल स्टेरिलिटी के लिए सिस्टमेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा दर्शाया, ठीक है। उसके बाद पीटर एक साइंटिस्ट थे 1995 में, इन्होंने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन दिया था, ठीक है ना, उसके द्वारा मेल स्टेरिलिटी के लिए बताया। मेल स्टेरिलिटी वर आर्टिफिशियल इंड्यूस थ्रू द म्यूटोजेनेसिस कॉल ने, एक साइंटिस्ट थे जो म्यूटोजेन के थ्रू, यानी कि म्यूटेशन के थ्रू, म्यूटोजेन जो आपका अल्फा गामा रेज, ये म्यूटोजेनेसिस का जो जितने भी रेज वो होते हैं म्यूटोजेनेसिस बोलते हैं उसको, म्यूटेशन के द्वारा, ठीक है ना। तो वो कॉल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1988 में ये रिपोर्ट किया था म्यूटोजेनेसिस की, ठीक है ना, मेल स्टेरिलिटी की। नेक्स्ट पॉइंट है, आप नेक्स्ट स्लाइड है, सेवरल फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन कंट्रोल। पॉलिनेशन कंट्रोल के लिए इसमें कई सारे, जैसे मैनुअल इमैस्कुलेशन, व्हाट इज इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन इज रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम स्टिग्मा विदाउट डिस्टर्बिंग। यानी कि हम जब किसी प्लांट में मेल पार्ट को वहां से रिमूव करते हैं विदाउट एम्ब्रियो को टच, वो विदाउट स्टिग्मा को टच किए हुए, यानी कि उसको हम छूते नहीं है, अगर उसके लिए टच कर दिया तो वो डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसको विदाउट डिस्टर्बिंग के हम मेल पार्ट के लिए रिमूव कर देते हैं, इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, ठीक है ना। आगे यूज ऑफ मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी का क्या यूज है, सीधी सी बात है, जब मेल स्टेरिलिटी है तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा,
ठीक है ना, द यूज ऑफ मेल स्टेरिलिटी. नेक्स्ट यूज ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एलील्स. एलील्स क्या होते हैं? एलील्स इज ए फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि जीन की फॉर्म होती है. जैसे कि कोई भी जीन है कलर के लिए, ठीक है ना, तो उसके जीन के दो फॉर्म होंगी, एक जीन की दो फॉर्म होती है. जैसे ये जीन है व्हाइट कलर के लिए, सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल ले लिया व्हाइट कलर के लिए ए, तो ये पूरा इसको जो बोलेंगे पूरे को हम इसको बोलेंगे जीन, ठीक है ना. और जो अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो इसको बोलेंगे एलील. एलील ही तय करता है कि कलर या हाइट या उसका सीड के लिए हेल्थी बनाने का, यानी कि जीन जो एलील होते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए बेटर क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, कलर हाइट है ना, तो सीड का न्यूट्रिएंट वगैरह के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं. डिजीज के लिए हो गया है ना, तो इस इन्वायरमेंट के लिए हो गया रेस्पॉन्सिबल. ठीक, तो ये जो एलील होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? सेवरल कैरेक्टर के लिए. ठीक, अब यूज ऑफ मेल गैमेटोसाइट. यूज ऑफ मेल गैमेटोसाइट. गैमेटोसाइट क्या होता है? कि जो मेल गैमेट होते हैं, जैसे कि सपोज डेट अभी दो क्रॉस बनाए मैंने दो पेरेंट के, ठीक है ना, ये मेल पेरेंट हो गया और ये फीमेल पेरेंट हो गया, ठीक है ना. तो जब हम इन दोनों का क्रॉस कराया तो इसके जो नीचे जो एग बनाई, इस तरीके से हेटरोजाइगस कंडीशन आ गई. जब इसके जो गैमेट हैं, गैमेट कैसे बनेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ, तो इनका जो रेशो बन जाएगा उसे इनको बोलते हैं हम गैमेट, ठीक है ना. अब यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड पोलन किलर जेनेटिक सिस्टम, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा पोलन के लिए किलर किया जा रहा है, ठीक है ना. तो आगे जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उनमें डिस्क्राइब करते हैं बिल डायग्राम, ठीक है ना. आगे व्हाई मेल स्टेरिलिटी. मेल स्टेरिलिटी क्यों है? तो देखिए, रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, यानी कि जो हाइब्रिड सीड होता है उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, इसलिए मेल स्टेरिलिटी का यूज है. दूसरी बात, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ F1 सीड, यानी कि इसमें F1 जो जनरेशन होती है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा सीड प्राप्त होता है, ठीक. दूसरी चीज, अवॉइड द इनमॉर्मस द मैनुअल वर्क इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन. हम इमेस्कुलेशन के लिए अवॉइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. दूसरा, स्पीड अप टू द हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज ए इमेस्कुलेशन, यानी कि हम, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जब हम किसी पोलन ग्रेन को किसी स्टिग्मा के पास से रिमूव करते हैं या दूसरे का पोलन ला के उस पर डाल देते हैं तब होता है, उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना. क्रॉस, अब कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइब्रिड विग्योर. तो कॉमर्शियल जो हमारा जो व्यापारिक लेवल पर जो भी हम एक्सप्लोटेशन करते हैं तो वो हाइब्रिड विग्योर, यानी कि हाइब्रिड सीड जितना भी होता है वो एक व्यापारिक लेवल पर हम उसको करते हैं, ठीक. आगे, क्रिएशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन द्वारा होती है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन द्वारा होती है, म्यूटेशन इंडक्शन द्वारा होती है और जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा होती है, केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी उसके द्वारा होती है, ठीक. आगे, क्लासिफिकेशन. जब कॉल, जो साइंटिस्ट थे कॉल, उन्होंने 1988 में क्लासिफाइड किया था मेल स्टेरिलिटी 3 मेजर ग्रुप में, और वो कौन कौन से थे? एक तो
फिजिकली जो फिनोटिपिकली मेल स्टेरिलिटी, जो मॉर्फोलॉजिकल मेल स्टेरिलिटी होती है, कौन सी होती है? मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है ना। तो उसमें स्ट्रक्चरल और स्टिग्मा मेल स्टेरिलिटी, पोलन मेल स्टेरिलिटी और फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी, तीन हो गया। इसमें मॉर्फोलॉजिकल में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेमिन मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी, पोलन मिलेंगे देखने के लिए आपको, फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी यानी कि वो फंक्शन आप करते हुए, जैसे सीड डेवलपमेंट होगा तो वो होगा या नहीं, फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, वो चीज़ उन्होंने देखी। तो ये मॉर्फोलॉजिकल में थ्री चीज़ देखी। फिर उसके बाद गैमेटोफाइटिक में, गैमेटोटिपिक में मेल स्टेरिलिटी में उसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट सेंसिटिव यानी कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती क्या है? जो जीन के द्वारा गवर्न हो रही हो उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इन्वायरमेंट सेंसिटिव होती है, EGMS, एक थर्मोसेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है, एक फोटो पीरियड सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी होती है, और इन्वायरमेंट नॉन सेंसिटिव, ठीक है ना। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती क्या है कि जो साइटोप्लाज्म के द्वारा गवर्न हो रही है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है ना। तो आगे डायग्राम है, इसमें आगे आगे डायग्राम दिखा देते हैं आपको। देखियो ये तो ये डायग्राम है उसके, न्यूक्लियर जीन जीन द्वारा जो जिसे हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम है आपके, ये जो देख रहे हो आप, इसमें रिसेसिव जीन है और ये डोमिनेंट जीन है। जो रिसेसिव और डोमिनेंट जीन है उनके बीच में क्रॉस कराया तो हमें रिसेसिव और डोमिनेंट जीन मिले, ठीक है ना। ये जो जीन है, रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन, इन दोनों का क्रॉस कराया तो हमारे पास जो रिसेसिव है, जो रिसेसिव है वो कट गया, जो डोमिनेंट है वो फर्टाइल वाला मिल गया हमें। तो हमने मेल स्टेराइल के साथ फर्टाइल वाले का क्रॉस कराया तो मेल फर्टाइल हमारे लिए मिल गया। तो ये होती है न्यूक्लियर जीन मेल स्टेरिलिटी, ओके। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये दो प्लाज्मिक मतलब होते हैं ओटोप्लाज्मिक और ओलोप्लाज्मिक, यानी कि एक सेल्फ में एक क्रॉस में, ठीक। यूटिलाइजेशन ऑफ CMS प्लांट ब्रीडिंग, यूज ऑफ CMS हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज होती है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ जीन यानी कि किसी रेजिस्टेंस वैरायटी को डेवलपमेंट करने के लिए, क्लियर। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जो साइटोप्लाज्म के द्वारा और जीन के द्वारा कंट्रोल हो रही है उसे CGMS मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ठीक है ना। लिमिटेशन इसकी है, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है ना। ABR लाइन, ठीक है ना, लेबोरेटरीज डिफिकल्ट, एजोटिक लाइन सुटेबल्स एंड कंडीशंस, नेटिव एडिटिव, ठीक है ना, और एक्यूरेट क्रॉस पॉलिनेशन शुड बी ABR, ठीक है। थैंक यू।